नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण और आप देख रहे हैं क्लाउडी राठौर। और मैं लाया हूँ रोजमर्रा से जुड़ी हुई ऐसी कई बातें जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जानकारी औजार है। दोस्तों अगर आप अमर होना चाहते हैं तो एक ही चीज आपको अमर कर सकती है, और वो है कुछ आप ऐसी चीज छोड़ जाए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो वो देख सके या जो वो महसूस कर सके। तो दोस्तों जिस तरह से पहले आदिमानव भित्ति चित्र बनाता था और उन भित्ति चित्रों को देखकर हम समझ पाते हैं कि पहले कभी हमारे पूर्वज वहाँ रहा करते थे, मगर इस ज़माने में आप क्या करोगे कि जिससे आने वाली पीढ़ियाँ आपको देख सकेगी। तो दोस्तों या तो आप अपने ब्लॉग लिखिए या फिर वीडियो छोड़ जाइए, तो आपके साथ भी वो रहेगा और आपके बाद भी वो रहेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शेयरिंग एंड केयरिंग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप दुनिया के साथ इसको बांटना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए, और जो टेक्निक्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको आपका नॉलेज लोगों के साथ साझा करना है या आपको अपना नॉलेज जो है लोगों के साथ बांटना है, तो दोस्तों आपको कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने एजुकेशनल वीडियोस बना सके और किस तरह से उसको रिकॉर्ड कर सके। तो दोस्तों मैं आज आपको यही बताऊंगा। अगर आप एक विंडोज़ यूज़र है तो दोस्तों विंडोज़ यूज़र्स के लिए तो मान लीजिए कि नेट पर तो मानो बाढ़ है। काफ़ी स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए कि आप कोई विंडोज 10 यूज़र है तो आपको डालना है नेट पर स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर विंडोज़ 10, और आपको ढेरों रिकॉर्डर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कैमटासिया, बैंडिकैम, कैम स्टूडियो, शेयरएक्स और काफ़ी सारे जो है आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मगर दोस्तों प्रश्न ये आ जाता है कि इसमें से कौन सा इस्तेमाल करें। तो मैं आपको सबसे इजी वाला जो है ऑप्शन जो है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे इजी वाला ऑप्शन है जो मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं विंडोज़ नहीं यूज़ करता, मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ, बट आपके लिए मैं विंडोज़ के लिए भी बताऊँगा। तो वोको स्क्रीन फॉर विंडोज़ 10 आप सर्च कीजिए, और यहाँ आपको उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ट्राई कीजिए कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसको डाउनलोड करें। तो आप यहाँ पर वोको स्क्रीन का कोई भी एक ऑफिशियल जो लिंक है वहाँ से आप ये जो ऑप्शन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटा सा ऐसा बॉक्स आएगा और इस बॉक्स में आपको यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो मान लीजिए कि आप फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप फुल स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आपका रेजोल्यूशन सेट कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक विंडो अगर रिकॉर्ड करनी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए मैंने मान लीजिए मैंने फुल स्क्रीन रिकॉर्ड की और अब मैं जो है इसको फुल स्क्रीन मतलब इसकी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, और जो है ये जो है अभी रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट हो गई। तो मान लो कि मैंने कुछ किया, या फिर सपोज मैं मेरा जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, या फिर मैं इस वेबसाइट पर जाता हूँ जो कि मेरी खुद की वेबसाइट है, और अब मैं जो है रिकॉर्डिंग को बंद करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं बंद करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब मुझे चेक करना होगा कि ये सेव कहाँ पर हुआ है। तो सेटिंग्स में जाइए और देखिए यहाँ पर भूषण वीडियोज़ में जो है इसकी सेविंग हो चुकी है। तो चलिए वीडियोज़ में चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है मेरा रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए वोको स्क्रीन की मदद से मैंने ये रिकॉर्ड किया जो कि मैंने आपको अभी शो करके दिखाया, और काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। मान लीजिए आपको इस रिकॉर्डिंग में साउंड्स भी चाहिए, तो चलिए साउंड के लिए क्लिक करते हैं इस बॉक्स पर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइक का सेटिंग, और यहाँ पर आपको सारे जितने भी आपके सिस्टम में माइक्स है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मान लीजिए अभी मैं मेरा जो बिल्ट इन ऑडियो है वो यहाँ पर दिख रहा है, जिस कैमरे से मैं आप अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो कैमरे में खुद एक इनबिल्ट माइक है वो भी आपको दिख रहा है, और एक USB माइक जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी वॉइस वो भी है। मान लीजिए कि आपके पास कोई माइक्रोफोन नहीं है या कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके पास एक इनबिल्ट, मान लीजिए कि आप एक लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप लैपटॉप का भी माइक यहाँ पर यूज़ कर सकते हो।
देन और एक ऑप्शन दिया है कि मान लीजिए कि मेरी तरह आपको अपना जो रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपने आप को भी दिखाना है, या फिर आपकी एक छोटी सी विंडो, जैसे कि मेरी साइड में ये विंडो आपको दिख रही होगी, तो मान लीजिए कि आपको आपकी खुद की भी एक छवि दिखानी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों विंडोज यूजर के लिए। मान लीजिए कि आप एक लिनक्स यूजर है, जैसे कि मैं एक लिनक्स यूजर हूँ, तो मैं लिनक्स यूजर्स के लिए भी आपको बताऊंगा। अच्छा एक मिनट, क्योंकि मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आपको ये दिखाने के लिए कि आप इसके थ्रू आप कैसे एक एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या पीपीटी है, तो आपने कर देना है यहाँ पर रिकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर माइक भी रिकॉर्ड कर देता हूँ आपके लिए। तो मान लीजिए मैंने बिल्ट इन जो है मॉनिटर का और ये जो है मैंने रिकॉर्डिंग के लिए दोनों माइक ले लिए, और यहाँ पर मैं पूरी जो स्क्रीन है या सॉरी जो विंडो है हम चलिए पूरी स्क्रीन ही ले लेते हैं, और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो जो सबसे पहले आपको लगेगा कि एक पीपीटी, तो मान लीजिए मैंने ये पीपीटी जो है इसको ओपन कर दिया, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो क्लाउडी राठौर की तरफ से है वो कैसे होगा। सो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड का जो ओवरव्यू अगर हम लेना चाहें तो उसमें है एंड्रॉयड, गूगल इज अ वाइडली एंटिसिपेटेड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस सपोर्टिंग ब्लूटूथ वायरलेस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वाईफाई फलाना फलाना फलाना। तो इस तरह से आप जो है वो रिकॉर्डिंग इसकी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं कोई की स्ट्रोक कर रहा हूँ तो वो की भी यहाँ पर आपको दिख रही है। तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, और अब हम चलते हैं हमारी रिकॉर्डिंग की तरफ कि किस तरह से हमारी रिकॉर्डिंग हुई है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं जाता हूँ मेरे वीडियो पर, और यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग जो है वो प्ले कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो इस तरह से आप अपने एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं, या फिर इसके बाद में बताऊंगा कि साउंड को आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं और साउंड रिकॉर्डिंग के दरमियान बहुत सारी जो है जो एम्बियंस नॉइस है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो एम्बियंस नॉइस है उसको निकालें। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिनक्स यूजर्स के लिए क्या है। तो दोस्तों लिनक्स यूजर्स के लिए मैं यहाँ पर केजम जो है रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ। केजम रिकॉर्डर के लिए आप जो लिनक्स का, या फिर आप उबंटू यूज़ करते तो उबंटू का सॉफ्टवेयर मैनेजर ले लीजिए, और सॉफ्टवेयर मैनेजर से आपको ये केजम जो है वो मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत उम्दा किस्म का ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों। यहाँ पर आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे, मान लीजिए कि आप फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या विंडोज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर कोई एरिया रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना एक जो एरिया है वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और बाकी मैं कुछ भी शो नहीं करना चाहता, माफ कीजिए। तो आपने कर देना है एंटर, और मैंने इसको कर देना है अभी कैप्चर। तो देखिए अभी कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैप्चर करने के बाद कैसा शो करता है। तो देखिए ये कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई, अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ गया। देखिए यहाँ पे मैंने इसको फिनिश रिकॉर्डिंग की, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो मान लीजिए कि मैंने इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लिया है, और यहाँ पर हो गया है मेरा सेव। तो चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उतना ही एरिया इसने रिकॉर्ड किया। इसके बाद चलते हैं कि माइक या माइक्रोफोन या फिर कोई साउंड को इसमें कैसे इंक्लूड करें। मान लीजिए आप एक लिनक्स यूज़र है, तो लिनक्स यूज़र्स के लिए जो है यहाँ पर आपको जाना होगा साउंड सेटिंग्स में, क्योंकि मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ, और अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊब गए हैं तो मेरे इस वीडियो को आप देख सकते हो कि किस तरह से आप फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से भी सारी वही चीज़ें आप अचीव कर सकते हो जो कि एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको चले जाना है इनपुट में, और इनपुट में आपको माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लेना। देन माइक्रोफोन सेलेक्ट करने के बाद आपको केजम में आना है, और मान लीजिए कि आप साउंड फ्रॉम स्पीकर
आपके कुछ इंटरैक्टिव सेशंस है या फिर आपके पीपीटी में कोई साउंड है वो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से साउंड फ्रॉम स्पीकर कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कि आप जो बोल रहे हो वो भी साथ ही साथ रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो फिर कर दीजिए इसको, इस बार मैं फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो कर दीजिए इसको कैप्चर और देन मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ कि ये है मेरी वेबसाइट, और इस वेबसाइट के ऊपर वीडियोस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के सारे वीडियोस, सारे मीन सारे। और इसी के साथ साथ आपको जो है मेरे ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी पर मैं लिखता हूँ। तो ये हो गए मेरे सारे ब्लॉग्स। तो दोस्तों इस तरह से मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। अब मैं फिर जाऊँगा और इस रिकॉर्डिंग को मैं कर दूँगा फिनिश रिकॉर्डिंग, और मैं कर दूँगा कंटिन्यू, और मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब आप जो है रिकॉर्डिंग को ऑन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी बेहतरीन रिकॉर्डिंग जो है ये हो जाएगी, और आप देख रहे हो कि कितनी हाई क्वालिटी की इसमें रिकॉर्डिंग होती है। जी हाँ, क्वालिटी की बात अगर करें तो यहाँ पर आप क्वालिटी भी इसकी जो है आप चेंज कर सकते हो। आपको करना ये है कि आप कैजम के प्रेफरेंस में जाइए, और आप यहाँ पर प्रेफरेंस में जाकर स्क्रीन कास्टिंग में आप फ्रेम रेट जो है वो आपका सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको 15 फ्रेम रेट नहीं चाहिए, 30 या 60 फ्रेम रेट चाहिए, तो आप इसको 30 कर दीजिए। और यहाँ से आप सारे जो कोडेक है आपके रिकॉर्डिंग के कोडेक वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और ऑटोमेटिक फाइल सेविंग जो है वो भी आप कर सकते हो कि मान लो कि आपको सेव नहीं करना है मगर उसने ऑटोमेटिक वो जो फाइल है वो सेव करनी चाहिए। देन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, अगर आपका स्क्रीनशॉट लेते समय आपको शटर का टाइप जो है वो भी आपको डिसाइड करना है, तो यहाँ पर आप निकॉन D18 और कैनन D7D इस हिसाब से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप शटर का जो साउंड है वो भी आप साथ में ला सकते हो। तो दोस्तों मैंने बताया कि अगर आप केयरिंग और शेयरिंग पे भरोसा रखते हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली पीढ़ियाँ भी देखे और आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको याद रखे, तो दोस्तों आप अब से शेयरिंग और केयरिंग करना शुरू कर दीजिए। मेरा नाम है भूषण और आप देख रहे हैं क्लाउडी राड, और मैं लाया हूँ रोज़मर्रा से जुड़ी हुई ऐसी कई बातें जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जानकारी औजार है। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एम्बियंस नॉइज़ को कैसे निकालें, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग करोगे तो बहुत सारी ढेरों नॉइस आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह आपका भी जो साउंड है वो एकदम क्रिस्पी साउंड हो और एकदम क्लियर और क्रिस्टल क्लियर साउंड हो, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, और जिसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वो घंटी वाला आइकॉन प्रेस करना होगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।